Hi guys, this is me, your favorite AKR and you're watching Shikumar Rai YouTube channel. तो कैसे आप लोग, आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे. हम भी मस्त है, बढ़िया टकाटक हैं. और आज मैं उठाऊँ थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा आलस में, बिकॉज रात को अच्छे से सोया नहीं. मैं वैसे भी लेट सोया था, फिर प्लस फिर पापा का भी मॉर्निंग का टाइम था तो उन्होंने भी आके उठा दिया. तो मैं काफी लेट सोया था और काफी बेचैनी वाली नींद में सोया था. और सेम एज मम्मी, तो मम्मी का भी ऐसा ही था. तो इसलिए हम लोग थोड़ा लेट उठे थे, इसलिए लेट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. थोड़ा बैठते मम्मी के पास, पीते हैं चाय, मम्मी से करते हैं बात. तो गाइस आ गई हमारी चाय. एक तरफ आ चुका है चिंटू, चिंटू लाला, और एक तरफ है मम्मा. तो बस इनके साथ ही बैठते चाय में, पीते गपशप, लड़ाते हैं. और फिर मम्मी घर के कामों में लग जाएंगी, मैं अपनी चीजों में लग जाऊंगा, चिंटू नीचे पढ़ाई करने चला जाएगा. है ना चिंटू, पढ़ाई करेगा नहीं करेगा? पढ़ाई नहीं करता ना तू? करता हूं. ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है. तो गाइस मैंने फोन लगा दिया था चार्जिंग पे, उसके बीच में मैंने अपनी स्कूटी धो ली है, तो एकदम मस्त साफ सुथरी होगी. मम्मी को बाहर लेके जाना ना, तो इसलिए मैंने मस्त एकदम धो दी है. और एक और चीज़ कट रहे हैं, वो ये देखो, हम बनवा रहे हैं दिल्ली के स्पेशल छोले कुलचे. पर मेरे को कुलचा नहीं खाना, मेरे को तो छोले छोले चाहिए, तो मैं तो छोले छोले लेने वाला हूँ. तो गाइस फाइनली छोले तो ऊपर आ चुके हैं और हम लोगों ने बाइक भी साफ कर ली, स्कूटी भी साफ कर ली है. अब अपना नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान है नहाने का, क्योंकि नहा के ही बाहर जाएंगे ना, मैं तो बाहर जा नहीं सकते. तो अभी नेक्स्ट प्लान है नहाने का, बट अभी तो थोड़ा एक दो काम करना है तो वो कर लेते हैं. उसके बाद नहाने चलेंगे, उसके बाद मैं और मम्मी लंच करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे बाहर. बट आज पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, आज है धूप. क्योंकि मुझे लगा था मौसम ठीक होगा जैसे पहले हो रहा था, तो मैंने हाँ बोल दी. बट अब बाहर जाके देखा ना, जब मैंने स्कूटी साफ करने गया, भाई धूप है बहुत कड़ी. बट कोई नहीं, थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है क्योंकि मिलूंगा आज मैं लोगों से, अलग 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 नहीं मतलब अपने ही है. देखोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बट वो दिखाऊंगा ब्लॉग के एंड में जब उनके घर पहुंच जाऊंगा. तो गाइस अब बारी है नहाने जाने की. तो मैं तो जा रहा हूँ नहाने, फोन लगा देता हूँ चार्जिंग में ताकि बाहर जाके ब्लॉग कर पाऊँ. क्योंकि फोन चार्ज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सबसे बड़ा टास्क यही है कि भाई आपको फोन चार्ज रखना पड़ता है. क्योंकि मैं तो इतना आंसू में देखते देखते तो अच्छा खत्म हो रही, खत्म हो रही, चलो कोई नहीं, सोचो सोचो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे. क्योंकि मेरे इतना कुछ मेजर काम रहता नहीं, मैं ज्यादा फोन एडिक्टेड हूँ नहीं, तो मेरे को इतना मेजर प्रॉब्लम रहती है. बट ब्लॉगिंग के लिए मेरे को हमेशा अपना फोन चार्ज रखना पड़ता है. तो मैं जाता हूँ फोन चार्ज पे लगा देता हूँ. भाई लोग पेट्रोल वाला काम तो हम लोगों ने करवा लिया, अब बस जाना है घर, बिठाना है मम्मी को और फिर जाना है हमें बाहर. तो अब इजी रहेगा, बीच में रुकने की कोई झंझट नहीं है, सीधा घर से निकलेंगे और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे. अभी बीच में रुकने की टेंशन नहीं. और धूप बहुत ज़्यादा हो रही, तो अच्छा हो मैं अकेले आ गया, क्योंकि मम्मी को बाहर खड़े रहना पड़ता है, तो उनकी फिर तबीयत खराब होती है धूप में. तो एक काम करते जल्दी चलते घर और फिर वहाँ से चलेंगे जहाँ हमें जाना है. और कहाँ जाना है वो मैं बताता हूँ, पहुँच के बताऊँगा. देखो मम्मी भी आ चुकी है और मम्मी को बैठने में बहुत डर लगता है, और जब भी मम्मी के साथ होता हूँ बहुत स्लो ही चलाता हूँ. तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ, हम जा रहे हैं मम्मी के घर, मतलब नानी जी के घर. तो आओ चलते हैं वहाँ पे, सबसे मिलते हैं. सो गाइस यस वी आर बैक होम. और बहुत अच्छा लगा बड़ी मम्मी से इतने दिनों बाद मिलके, प्लस इतने सारे कजन से मिलके. अब सीन ये था कि हम सब लोग एक ही रूम में बैठ के चिट चैट कर रहे थे, इतनी सारी बातें हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो वहाँ का तो व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं उस मोमेंट में एंजॉय कर रहा था. प्लस बहुत सारी बातें हो रही थी, तो मतलब बहुत ज्यादा मिक्स हो गई थी सारी ना, कि फिर मैं क्या बोलता और आपको कुछ सुनाई नहीं देता, बिकॉज इतनी सारे लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे थे. बट बहुत मजा आया. फिलहाल बच गए हैं 5, तो अपने वो करने कपड़े चेंज, पीने ब्लैक कॉफी और चलना है जिम. अराउंड 6 बजे तक चलेंगे, तो आधा घंटा पहले अपन ब्लैक कॉफी पी के एकदम मस्त रेडी वेडी होकर बैठ जाते हैं, ताकि जैसे भाजी का कॉल है फिर हम लोग जिम चलेंगे. वैसे सही बताऊं बाहर इतनी गर्मी है ना, मतलब मुश्किल से ना हमारे घर से नानी जी का घर होगा 20 मिनट्स का रास्ता, बट बाहर जाने में इतना वो हो जाता है ना, और बाप रे, और वापस आना मतलब हम लोग मुश्किल से वहाँ पे 2-3 घंटे रुके होंगे, बट वापस आने और आने जाने में ना थक गए, हालत खराब हो गई. बाकी मम्मा यहाँ पे बैठी है, अद्विक की वीडियो कॉल चल रही, तो मम्मी उनसे बात कर रही है. और अब अद्विक को बैठना भी सीख गया, तो मतलब मजा आता है उसके साथ बात करने में, थोड़ा रिएक्शन देने लग गया, तो मजा आता रहता है. करते रहो मम्मी आप बात, कोई दिक्कत नहीं. सो गाइस 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 अब टाइम हो चुका है ब्लैक कॉफी पीने का. और लास्ट टाइम मैंने ना एक बारी ब्लैक कॉफी, पिंक सॉल्ट और ठंडा पानी पिया था, तो उससे मुझे बहुत नेक्स्ट रिजल्ट आया, मतलब बहुत सही वाला पंप फील हुआ था. तो आज भी वही करते हैं. ये रहा ग्लास पापा वाला, बताया था ना, तो इसके अंदर ही बनाते हैं और पीते हैं और चलते हैं जिम. बिकॉज अपने को लेट नहीं होना, वर्कआउट मिस नहीं करने, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट फील हो रहा है. अभी रिसेंटली ना ग्रोथ थोड़ी रुक गई है, मतलब जहाँ पे था ना मैं उतना ही हूँ, उसको अभी और ज्यादा आगे नहीं हो पाया. उसका रीजन मुझे कुछ पता नहीं है, बट ठीक है, मतलब वो चीज मेरे लिए ओके है. मतलब वो जो फैट था वो मसल में डेवलप हो रहा है, तो इस वजह से मतलब भी वेट कम, मतलब ज्यादा तेजी से लूज नहीं हो रहा, और थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है. और बाकी अभी गर्मी चल रही, तो यार खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा इशू रहता है, क्योंकि मैं पानी और मेरे को ये आम पन्ना लस्सी वस्सी में काफी पीता हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ सकता है. बट कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं आई एम हैप्पी विद दिस, बिकॉज अगर फैट मसल में कन्वर्ट हो रहा है तो आई एम हैप्पी विद दिस. मुझे वेट का ज्यादा इशू नहीं है, मेरे को सबसे मेन इशू था कपड़े खराब होते, फिट नहीं आ रहे थे, प्लस मेरे का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता. बट अब लिटरली बहुत सही, मतलब कॉन्फिडेंस तो मतलब काफी बूस्ट हुआ है, प्लस कपड़े फिटिंग बहुत सही आ रही है. जो टी शर्ट मुझे लूज, मतलब टाइट हो गई थी, वो लूज हो गई है, और जो टी शर्ट मुझे काफी लूज लूज थी, मतलब बाइसेप से ये वो जो काफी कूल कूल थोड़ी बैगी फील वाली थी, वो मेरे को मोस्ट मतलब डोले से चेस्ट से तो मोस्ट टाइट हो रही है, तो भाई फील तो बहुत थोड़ी आ रही है. इसी चीज को कंटिन्यू रखना है, फिलहाल कर लिए कपड़े चेंज, पीते कॉफी, चलते हैं जिम. सो गाइस
सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जिम, और जिम में गाने नहीं बज रहे अभी, मतलब गाने नहीं बज रहे मतलब दक्ष पाजी नहीं आए, क्योंकि गानों का डिपार्टमेंट दक्ष पाजी नहीं संभाल रहा है, वही गाने बजाते। चलो हम लोग चलते हैं, हम अपना फोन कभी कर लेंगे, आज हमारी पसंद के गाने बजेंगे। तो गाइस हमेशा तो मैं लेट होता हूँ, बट आज पहली बार दक्ष पाजी लेट हुए, नहीं तो वो तो 5:30 बजे आ जाते हैं, अभी पता नहीं क्यों नहीं आए, कॉल करके देखते हैं उनको, नहीं तो इस टाइम तक तो आ जाते हैं। उन्हें ये गाने बज रहे होते हैं, सीधी मौत, फलाना फलाना, अंडरग्राउंड पूरा, बट बढ़िया है, बट उन्हें शोल्डर में दर्द है, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए। चलो फोन करके पूछते हैं कहाँ पर है। फाइनली भाई आ चुके हैं हमारे दक्ष भाई, प्यारा प्यारा मुखड़ा लेके अपना। अब दक्ष भाई बजाएंगे गाने और बजेगी सीधी मौत, और हमारी भी बजेगी सीधी मौत, बिकॉज आज अपना चेस्ट डे, जो कि हो रहा है बहुत ज़्यादा हार्ड, बहुत ज़्यादा इंटेंस। तो बस करते हैं शुरू। फाइनली निकी इज बैक टू आवर जिम, अनु भैया से मिलने। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद आज फाइनली मिलाप हो चुका है दोनों का। दोनों का मिलाप हो गया। दोनों का मिलाप हो चुका है, दोनों मिल गए, दोनों बहन भाई वापस। सो गाइस यस बैक होम, और आज का वर्कआउट काफी इंटेंस था, काफी मजेदार था, बट आज अपने को कुछ खाना नहीं, क्योंकि मैंने बादाम मिल्क पी लिया और मैं बहुत ओवरफुल हो चुका हूँ। तो बस कपड़े करेंगे चेंज, मम्मी का बैठेंगे, थोड़ा टीवी देखेंगे और वीडियो एडिटिंग शुरू कर देंगे। तो घर आने के बाद बोर होने पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग तो कॉल्स में लग जाते हैं या यूट्यूब देखने लग जाते हैं, और मैं तो अकेला पड़ जाता हूँ। देखो मैं क्या कोई क्या गेम खेल रहा हूँ, लालू का गेम है, लालू खेलती है सारे गेम, अब मैं खेल के कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस फाइनली बज चुके हैं 12, और अब आ रही मुझे नींद, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम जिम में चले गए थे, और मैं आज सोया भी नहीं था, आफ्टरनून में तो मैं बाहर था मम्मी के साथ ही। तो हाँ अभी आ रही नींद, और अभी सोना है, बट उससे पहले एडिटिंग करनी है, फिर अपलोडिंग करनी है, फिर सोना है, तो अभी 2-3 घंटे जाने हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे कल अगली वीडियो में, एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन में, एक नई शुरुआत के अंदर। और तब तक आपको क्या करना है, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज कर देना लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बजा दो बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए रोज सुबह 10 बजे भाई का ब्लॉग आ जाता हो, तो बिना टाइम लगाए देख लिया करो और प्यार बरसा दिया करो। बाय गाइस, गुड नाइट।